नमस्कार साथियों। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में, उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज। तो अभी तक हम लोग 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। इसमें बात करने वाले हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 को देखते हैं, ठीक है, सेंसस 2011। याद रखिए, हम लोग भारत के बारे में जो भारतीय जनगणना थी 2011 की, उसे हम लोग बहुत ही डिटेल में अच्छे से जान लिए थे। तो वो लेक्चर आपको मिल जाएगा, स्पेशल वीडियो फॉर आईएएस पीसीएस वाली प्लेलिस्ट सूची में डला हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं अगर भारत की जनगणना के बारे में आपको नहीं पता, ठीक है। और याद रखिए, 2021 में जो नई आएगी तब तक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 2011 की जनगणना। और आपने अगर उत्तर प्रदेश से सामान्य ज्ञान से संबंधित पुराने लेक्चर नहीं देखे तो वो भी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट सूची में डली हुई। तो चलिए, 2011 की जनगणना देखते हैं हम लोग, यूपी की, उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना, अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो कि देश के अन्य राज्यों के संदर्भ में सबसे अधिक है। और विश्व के देशों के संदर्भ में चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वें नंबर पर है। याद रखिए, अगर उत्तर प्रदेश को एक नया देश बना दिया जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर पड़ेगा, ठीक है, जनसंख्या के क्रम में। पहले पर चीन, दूसरे भारत और तीसरे पर अमेरिका, 5वें नंबर पर इंडोनेशिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, भारत की कुल आबादी में से 16.50% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश है जो आपका, वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद 4वें नंबर पर आता है। अब याद रखिए, पहले 5वें नंबर पर आता था, आंध्र प्रदेश था तब, लेकिन आंध्र प्रदेश से जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ तब से उत्तर प्रदेश आपका 4th नंबर पर आने लगा। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, फिर है आपका उत्तर प्रदेश। देश की कुल शहरी संख्या में 11.79% के साथ उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या 18.63% के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। याद रखना, शहरी जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, ठीक है। विदेश की जनसंख्या की बात करें तो ये पुरुष महिलाएं हैं, तो 1991 में थे 6,32,19,672, 2011 में थी ये 16,61,97,921। इसमें पुरुष जनसंख्या थी 52.7%, महिलाएं थी 47.3%। 2011 की जनगणना में कुल प्रदेश की जनसंख्या थी 19,98,12,341, जिसमें से पुरुष जनसंख्या है 10,44,80,510, 52.28%, और महिलाएं हैं 9,53,31,831, 47.72%। टॉप 5 शहरों की बात करें, सर्वाधिक आबादी वाले जिलों की, और ये हैं सबसे कम आबादी वाले जिला। सबसे ज़्यादा आबादी वाले जिलों की बात करें तो इलाहाबाद 59,54,351, मुरादाबाद दूसरे नंबर पर 47,72,006, गाजियाबाद तीसरे नंबर पर 46,81,645, आजमगढ़ चौथे नंबर पर 46,43,913, लखनऊ है 5वें नंबर पर 45,89,838। तो याद रखना है, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। फिर है महोबा, सबसे कम जनसंख्या है महोबा की, 8,75,958। फिर है चित्रकूट, 9,51,97,730,
हमीरपुर 11,04,285, श्रावस्ती 11,17,361, ललितपुर 12,21,592। याद रखिए सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है जनसंख्या और सबसे कम महुआ में। सर्वाधिक आबादी पुरुषों वाली बात करें सर तो इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा है 31,31,807, फिर उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आपका कानपुर नगर, फिर लखनऊ। सर्वाधिक आबादी महिलाओं की बात करें तो इलाहाबाद में 28,22,584, फिर उसके बाद आजमगढ़, फिर जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। तो याद रखना इलाहाबाद में पुरुषों की आबादी सर्वाधिक इलाहाबाद में हो, महिलाओं की आबादी भी इलाहाबाद में। आगे बात करते हैं 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या के मामले में बात करें तो प्रदेश उत्तर प्रदेश वर्ष 2011 की जनगणना में 0.6 वर्ष आयु समूह की जनसंख्या 15.41% यानी कि 3,07,91,331 है, जो कि वर्ष 2001 में थी 19%। इस प्रकार वर्ष 2000 की तुलना में 0.6 आयु समूह की जनसंख्या का अनुपात 3.59% घटा है। वर्ष 2011 की जनगणना में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय स्तर के 13.6% से अधिक है। 0 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाले जिले हैं इलाहाबाद 8,85,355, फिर उसके बाद मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़, बरेली। ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात बहराइच में, याद रखिए प्रतिशत अनुपात में पूछ रहा है, 18.77%, और सबसे कम है कानपुर नगर में 11.13%। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 2001 में 916 था, जबकि 2011 में 902 है। अब बात करते हैं वृद्धि दर की, जनसंख्या वृद्धि दर। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या की दस की वृद्धि दर 20.22% रही, जो कि राष्ट्रीय औसत वृद्धि 17.7% से अधिक है। प्रदेश में पुरुष एवं महिला की दस की वृद्धि 19.31% और 21.23% रही। दस की जनसंख्या वृद्धि दर में दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखिए अब ये दशक दिए गए, ये आपकी संपूर्ण भारत की दस की वृद्धि, उत्तर प्रदेश की दस की वृद्धि, उत्तर प्रदेश में वार्षिक वृद्धि दर। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है क्या क्या याद रखना है, 1901 से 1911 में संपूर्ण भारत की रही थी +5.75%, उत्तर प्रदेश की -0.9% और वार्षिक थी 0.15%। फिर उसके बाद 1900 देख लेना आप लोग ये आंकड़े, ठीक है आप लोगों, लेकिन हम बात करते हैं 1991 से 2001 तक, तो संपूर्ण देश की रही थी +21.54% और मध्य उत्तर प्रदेश की रही थी 25.85% और उत्तर प्रदेश की थी 2.43% वार्षिक वृद्धि दर। ये दस की है, और 2001 से 2011 के बीच बात करें तो भारत की रही है +17.7%, उत्तर प्रदेश की है +20.22% दस की है वृद्धि। ठीक है, शीर्ष 5-10 की है वृद्धि वाले जिलों की बात करें तो बहराइच 46.48%, गाजियाबाद 42.27%, गौतम नगर, फिर चित्रकूट, फिर बलरामपुर। न्यूनतम दस की वृद्धि वाले जिलों की बात करें तो श्रावस्ती 0.5%, हमीरपुर 5.80%, कानपुर नगर 9.92%, बागपत 11.95%, फतेहपुर 14.5%। तो शीर्ष सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कौन से जिले में हुई, बहराइच में, और सबसे कम श्रावस्ती। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व के मामले में। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व रहे 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर,
जो कि राष्ट्रीय औसत 382 से 447 अधिक है। जनसंख्या की दृष्टि में यह देश के राज्यों में चौथा स्थान है। वर्ष 2011 एक से 11 के दौरान जनसंख्या जनघनत्व में 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो याद रखना कितना है जनघनत्व 829 और भारत का कितना है 382। 1991 में ये था 165 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, वो भारत का था 1901 में 72 था भारत का और 165 था उत्तर प्रदेश का। फिर 2001 की बात करें तो 2001 में उत्तर प्रदेश का 690 था और भारत का था 325। 2011 में 829 हो गया भारत का उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर और भारत का 382। ठीक है, फिर शीर्ष 5 जिलों की बात करें जनसंख्या घनत्व के मामले में तो क्रमशः घटते क्रम में गाजियाबाद इसका 3971, वाराणसी 2395, लखनऊ 1816, भदोही संत रविदास नगर 1555, कानपुर नगर 1452। न्यूनतम 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें तो बढ़ते क्रम में क्रमशः सबसे कम ललितपुर 243, सोनभद्र 270, हमीरपुर 275, महुआ 279, चित्रकूट 308। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व कौन से ज़िले में, गाजियाबाद में, ठीक है, और सबसे कम ललितपुर में, याद रखिए। साक्षरता दर की बात करें उत्तर प्रदेश की तो साक्षरता दर 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर रही है 67.7%, जिनमें पुरुष साक्षरता दर है 77.9%, 77.3% और स्त्री साक्षरता है 57.2% रही। कितनी? पुरुष साक्षरता है 77.3% और स्त्री साक्षरता है 57.2%। प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से 5.3% कम है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश में साक्षरता दर में 11.34 की वृद्धि हुई है प्रतिशत की। देश में साक्षरता दृष्टि से सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर है, याद रखिए। 1991 में थी प्रदेश की साक्षरता 12.02% और इसमें पुरुष थे 19.17 और महिलाएं थी 4.7, जो 2001 में हो गई थी 56.36%, और इसमें से पुरुष थे 68.8%, महिलाएं थी 42.2%। 2011 में ये हो गई 67.7%, जिनमें से पुरुष हैं 70.3% और महिलाएं हैं 57.2%। उत्तर प्रदेश में साक्षर जनसंख्या वृद्धि में देश का तीसरा राज्य है। ठीक है, बात करते हैं आगे, सर्वाधिक साक्षर जिलों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर 80.12%, कानपुर नगर 79.65%, औरैया 68.95% और इटावा 78.41%, गाजियाबाद 78.7%। तो पहले नंबर पर गौतम नगर, फिर आपका कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा, गाजियाबाद। ठीक है, न्यूनतम की बात करें आपसे तो इसमें श्रावस्ती पहले नंबर पर 46.74%, बहराइच दूसरे नंबर पर 49.36%, फिर बलराम, फिर बदायूं, फिर रामपुर। तो सबसे ज़्यादा है गौतम बुद्ध नगर में और सबसे कम है श्रावस्ती में। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले बात करें तो गौतम बुद्ध नगर 88.06, औरैया 86.11%, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। ठीक, महिला साक्षरता की बात करें तो कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा है 75.5%, लखनऊ में 71.54%, गौतम बुद्ध नगर 70.82%, औरैया 70.61% और गाजियाबाद 69.79%। न्यूनतम की बात करें तो इसमें श्रावस्ती आपका है, फिर बलराम, श्रावस्ती में 34.78%, बलरामपुर में है
38.43%, बहराइच है, फिर बदायूं, फिर रामपुर। ठीक, लिंगानुपात की बात करते हैं। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विदेश में 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 912 है, यानी कि लिंगानुपात 912 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 943 है। भारत का कितना है? 943 से 31 कम है। वर्ष 2011 की तुलना में कितना था? 2001 में 898। वर्ष 2000 में कितनी सुधार हुआ? 14 की वृद्धि हुई। ठीक, लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि में यह देश के राज्यों में 26वें स्थान पर है। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो क्रमशः जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017, प्रतापगढ़ 998, सुल्तानपुर 983। वर्ष 1901 में लिंगानुपात था 994, फिर 2011 में क्या, 2001 में था 898 और 2011 में था 912। ठीक है, 2011 में 912, याद रखिए, देख लेना। ये न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो क्रमशः इसमें गौतम बुद्ध नगर 851, बागपत हमीरपुर 861, कानपुर नगर 862, बांदा और मथुरा में 863, औरैया में 870। यानी कि आपका सबसे ज़्यादा जौनपुर में है और सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, अब बात करते हैं नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के मामले में बारे में। 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या क्रमशः 15,53,70,278, यानी कि 77.70% है ग्रामीण जनसंख्या, और नगरीय जनसंख्या 4,44,95,063, यानी कि 22.30% है। वर्ष 2011 में क्रमशः थी 79.22% ग्रामीण और शहरी थी 20.78%। वर्ष 2011 में प्रदेश में कुल 714 नगरों में से 704 नगरों में से 41 नगर निगम 1,00,000 से 10,00,000 जनसंख्या वाले और 6 नगर कानपुर नगर लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद 10,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले थे। वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल 915 नगरों में से 1 से 10 लाख आबादी वाले, वैधानिक नगरों की संख्या 64 थी। 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की जनसंख्या थी 7 की संख्या थी 7, जो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले। नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर घटते क्रम में लखनऊ, फिर उसके बाद कानपुर नगर, फिर गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या 12 है। वर्ष 2011 के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के पश्चात दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश की कितनी है? 4,44,95,063। महाराष्ट्र की है 5,08,18,259। ठीक है, पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर उत्तर प्रदेश। देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% है। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में 30वें स्थान पर है, 30। ठीक, राज्यों के 23 जिलों में नगरीय, राज्य के 23 जिलों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत राज्य के औसत प्रतिशत से भी अधिक है। राज्य के नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें प्रतिशत में तो 1971 में थी ये 14.2%, जिनमें से, ठीक, फिर 2001 की बात करते हैं तो कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या थी 20.78%। नगरीय जनसंख्या में 10 की वृद्धि थी 32.65%। 2011 की बात करें तो 22.3% थी और 10 की वृद्धि हुई थी इसमें 28.82%।
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या 2011 के वाले जिलों की बात करें तो उनमें घटते क्रम में गाजियाबाद, फिर लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा और मेरठ। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में 5 जिलों की बात करें तो घटते क्रम में गाजियाबाद पहले पर, फिर लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। नगरीय जनसंख्या 2011 में वाले 5 जिलों की बात करें बढ़ते क्रम में, श्रावस्ती, उसके बाद चित्रकूट, फिर है कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाले 5 जिलों की बात करें तो श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की वाले 5 जिलों की बात करें घटते क्रम में, इलाहाबाद, उसके बाद आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करें बढ़ते क्रम में तो इसमें गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। विदेश में कुल 915 नगर, 18 मंडल, 75 जिले, 312 उपजिले और तहसीलें, और इसमें ये 107,452 गांव हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल क्षेत्रफल, प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है खीरी लखीमपुर, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है संत रविदास नगर भदोही। बात करें अनुसूचित जाति की, किसकी? अनुसूचित जाति की। तो अनुसूचित जाति में 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है 4,13,57,608, जो कि प्रदेश में कुल जनसंख्या का 20.69% है, जबकि संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों के जनसंख्या का प्रतिशत 16.6% है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है, याद रखना, जनसंख्या में आपका उत्तर प्रदेश है और प्रतिशत में पंजाब है, जबकि उत्तर प्रदेश उक्त दृष्टि से, मतलब प्रतिशत की दृष्टि से, चौथे स्थान पर है। ठीक है, 20.69%। प्रदेश में सर्वाधिक SC जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो सीतापुर, उसके बाद इलाहाबाद, फिर हरदोई, आजमगढ़, खीरी, और प्रदेश में सर्वाधिक SC जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो बागपत, उसके बाद है श्रावस्ती, फिर गौतम नगर, गौतम बुद्ध नगर, फिर है महोबा, ललितपुर। ठीक है, प्रदेश में SC जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो कौशाम्बी 34.72%, फिर है सीतापुर, फिर है हरदोई, फिर उन्नाव, रायबरेली। राज्य में SC जनसंख्या के सबसे कम प्रतिशत वाले जिले हैं बागपत 11.44%, फिर है बरेली, फिर बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, फिर है रामपुर। ठीक है, राज्य के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात वर्ष 2011 में 907 है, जबकि वर्ष 2001 में 900 पाया गया, याद रखना। राज्य के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात वर्ष 2011 में 907 है, जबकि 2001 में कितना था? 900। वर्ष 1991 में था 875। आजमगढ़ में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक है 1021। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग अनुसूचित जनजातियों के बारे में, ST जनजाति। तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 11,34,273, जिनमें से 5,81,083 पुरुष हैं और 5,53,190 स्त्रियां हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में ST जनसंख्या का प्रतिशत है 0.57%। भारत की कुल जनसंख्या में ST का जनसंख्या का प्रतिशत है 8.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जनसंख्या वाले जिलों की, राज्यों की
राज्य के जित 5 जिलों की बात करें तो इसमें सोनभद्र में सबसे ज़्यादा 3,85,018, बलिया में 1,10,114, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर, फिर ललितपुर। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो 5 जिले हैं, बागपत में 14 है, कन्नौज में 15, बदायूं में 58, एटा में 140, औरैया काशी रामनगर में कासगंज में 150। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिलों की बात करें तो सोनभद्र, फिर ललितपुर, फिर देवरिया, बलिया, कुशीनगर। न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो बागपत 0.001%, फिर कन्नौज, फिर बदायूं, बुलंदशहर और फिर है मुजफ्फरनगर। विदेश में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात है 951। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों में लीजिए तो यह है 2011 की जनगणना। सहारनपुर इसमें जनगणना हो गई, व्यक्ति हो गए, पुरुष हैं, स्त्री हैं। ठीक है, ये लिंगानुपात हो गया आपका जिलों का सबका। फिर घनत्व हो गया, फिर 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या हो गई, शिशु लिंगानुपात हो गया, 10 की ये वृद्धि हो गई, फिर ये साक्षरता है। ठीक है, कुल साक्षरता पुरुष महिला, तो इसमें आप लोग देख लेना। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लेना या तो। याद रखिए, क्योंकि जितने भी आपके लेक्चर बनते जाते हैं, जितनी भी PDF उपलब्ध होती हैं, वो सभी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। ठीक, चलिए तो अब बात कर लेते हैं हम लोग धार्मिक धर्म आधारित जनगणना। धर्म आधारित जनगणना 2011 के परिणाम अभी जारी नहीं किए गए, कारण स्वरूप परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण 2011 के आंकड़े दिए गए। 2011 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या में 80.6% हिंदू धर्म मानने वाले लोग, जो कि सर्वाधिक हैं, जबकि सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म की थी, मानने वालों की मात्र 0.1%। इसमें 2011 की बात कर रहा हूँ, हिंदू हैं आपके 13,39,79,263, 80% हैं, 80.6% कुल जनसंख्या का। लिंगानुपात है इनमें 894, शिशु लिंगानुपात है 911 और शिशु जनसंख्या का अनुपात है 18.6%। साक्षरता दर है 58.0%, महिला साक्षरता है इसमें 43.1%, कार्यभागीदारी है 33.2%। फिर है मुस्लिम 3,07,40,158, इनमें राज्य की कुल जनसंख्या का है 18.5%, लिंगानुपात है 918, शिशु लिंगानुपात है 935 और शिशु जनसंख्या का अनुपात है 20.9%, साक्षरता दर है 47.8%, महिला साक्षरता दर है इनमें 37.4% और कार्यभागीदारी है 29.1%। ठीक, फिर ईसाई हैं, फिर सिख हैं, फिर जैन, बुद्ध हैं और जैन। ठीक है, बुद्ध जैन की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 2,07,111, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या में 0.1% है। 911 है इनकी वो लिंगानुपात, 846 है इनका शिशु लिंगानुपात, शिशु जनसंख्या का अनुपात है 11.9%, साक्षरता दर है 93.2% और महिला साक्षरता है 90.3% और 28.8% है कार्यभागीदारी। ठीक है, देख लेना अच्छे से। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2000 प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा 11 जुलाई 2000 को की गई, जिसमें प्रतिबंधात्मक उपायों की जगह जनसंख्या वृद्धि को गरीबी, स्वास्थ्य विकास की व्यापक समस्या से जोड़कर देखा गया। इस नीति में सामुदायिक भागीदारी, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, निजी क्षेत्र की सहभागिता तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार इत्यादि के विस्तार पर बल दिया गया। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्न प्रावधान किए गए। जनसंख्या
पर खर्च किए जाने वाली कुल बजट का 10% पंचायतों के माध्यम से खर्च। वर्ष 2016 तक बालिकाओं के विवाह में वर्तमानों में 16.4 वर्ष से बढ़ाकर 19.5 वर्ष करना। परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु जनसंख्या कोष की स्थापना। वर्ष 2016 तक प्रजनन दर 2.1% लाना था। वार्षिक नसबंदी को बढ़ाकर 2005 तक 10 लाख और 2009 तक 13 लाख और 2000 गर्भ निरोधक प्रयोग करने वाली व्यक्तियों की दर वर्ष 2016 तक 52% तक लाना था। विवाह का पंचायत के माध्यम से अनिवार्य पंजीकरण। राजकीय सेवाओं पर सरकारी लाइसेंसों में महिलाओं को 33% आरक्षण। कम उम्र में विवाह करने पर सरकारी नौकरी से वंचित। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जनसंख्या का एवं विकास का आयोग का गठन। वन लाइनर में देखते हैं, वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की 10% वृद्धि रही है, 20.22%। वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 67.7%। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है 912। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या है 12। वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या है 4,13,57,608। राज्य की कुल जनसंख्या में ST की जनसंख्या का 0% है, 0.57%। भारत में कुल जनसंख्या ST में जनसंख्या का 0% है, 8.6%। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना 0% है? तो आपको बता देना है 16.50%। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2001 से 2011 के दौरान राज्य की 10% वृद्धि दर में कितने फीसदी रही? तो याद रखना है इसमें 20.22%। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य राज्य के जनघनत्व में कितनी 0% वृद्धि हुई? तो याद रखना 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है? तो याद रखना 5.32%। पांचवा क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का 0% कितना है? तो 5:1 47.72%। वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितनी 0.5% की वृद्धि हुई? तो याद रखना 11.34%। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है? तो याद रखिए गाजियाबाद, 7D। क्वेश्चन नंबर 8, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? तो आपको बता देना है जौनपुर, 8C। 9, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग की 0% जनसंख्या है? तो याद रखिए 15.41%। वर्ष 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात है, तो याद रखिए 912। ये ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो याद रखना 11 में होगा ए, इलाहाबाद। 12वां क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार वाला जिला कौन सा है? तो 12 में सी, गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की 10% जनसंख्या वृद्धि दर रही है, कितनी है? तो याद रखना 13 का होगा हमारा ए, 22.20%। 14 क्वेश्चन है, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो याद रखना 14 का ए होगा, गौतम बुद्ध नगर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है?
तो याद रखना 57.20%। ये सोचने वाली बात है। पता है राज्य में लिंगानुपात वाला सबसे कम जिला है गौतम बौद्ध नगर। पता है सबसे शैक्षिक जिला साक्षरता में गौतम बौद्ध नगर। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लिंगानुपात यहाँ का कम है। ये है सोच का नजरिया। ठीक है, फिर 16वां क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में किस जिले की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है? याद रखना इसका होगा कानपुर नगर। राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला है? याद रखिए श्रावस्ती। अगला 19 क्वेश्चन। राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत योगदान जैन धर्म का है? तो आपको बता देना है 19 में से 0.1%। उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में देश का कौन सा स्थान है, कौन सा राज्य है? तो याद रखना 20 का होगा डी तीसरा। क्वेश्चन नंबर 21। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या है? तो याद रखिए 12। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो याद रखिए 20.69%। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। 2011 में रामपुर का जनघनत्व कितना था? तो याद रखिए 987। 2011 में झांसी की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? तो याद रखना 75%। प्रदेश का सबसे कम SC जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना आपको 25 का होगा डी बागपत। चलिए तो ये थे हमारे सेंसस 2011 के उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 की। बात करेंगे आगे हम लोग जनजातियों के बारे में, उत्तर प्रदेश में जो जनजाति हैं उनके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक।